sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्वाति स्पेशल. सो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू व्लॉग, आज मैं संडे व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज है संडे. तो अभी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है, जैसे कि मॉर्निंग होके काफी टाइम हो चुका है. और आज मैं बहुत लेट उठी थी, आज मैं 9 o'clock, क्योंकि कल रात यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और कभी ठंड कभी गर्म ऐसा मौसम हो रहा है. और घर में ना थोड़ा सा बच्चों को खांसी सर्दी ये सब चल रहा है और सभी के यहाँ चल रहा है. जैसे कि आज संडे है और संडे को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ. बाबू जी का अभी तक अपने सारे काम फिनिश कर लिए है, सिर्फ शुभांगी आएंगी वो पोछा करेंगी. तो मैंने आज मैं बनाने वाली हूँ एक करी और पोहा बना रही हूँ, सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं. तो जैसे कि कढ़ाई को रख दिया है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल भी ऐड करके रख दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने करके रखी है. जैसे कि मैंने आपके आपसे लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि नहाने के पहले ब्रेकफास्ट कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. अभी सब उठने के ही थे तो इसलिए मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए और अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट. यहाँ चाय पे, चाय तो मैंने पी ली है अपनी. और बाहर की क्लीनिंग करना था, बाहर की क्लीनिंग हो चुकी है. वॉशिंग मशीन में क्लॉथ लगाने थे वो भी हो चुके हैं, यानी एवरीथिंग माय जो फिनिश्ड हो, काम जो होते हैं मेरे वो हो चुके हैं. और आज बनानी है हमें एक करी. तो एग भी बॉईल करके रख दी है. पोहे को यहाँ पे भिगो के मैंने रख दिया था, तो पोहा भीग गया है मेरा, अच्छी तरीके से सोख हो चुका है. तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पोहा और पोहे की ऑयल गर्म हो रहा है. तो जैसे कि अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और अभी भूख लग चुकी है और सब उठ भी गए हैं, तो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ. लेकिन उससे पहले बाबूजी को इनहेलर लगाना है, तो तेल गर्म होने तक के मैं उन्हें इनहेलर लगा देती हूँ. तो अभी हम, मैं बाबूजी को ये इनहेलर लगा दे रही हूँ, इसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगी. तो we will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animal. मैं बना रही हूँ पोहा. तो ऐड करूँगी जीरा. मटर, प्याज, आलू सब एक साथ ही डाल दिया है. पोहा की रेसिपी सबको आती है और सब अपने तरीके से अच्छा ही पोहा बनाते हैं. मैंने आपके साथ पोहा की रेसिपी इसके पहले भी शेयर करी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो. और ये मैं आपको बता रही थी कि इनहेलर है, यानी इनहेलर होता है जिनको अस्थमा प्रॉब्लम होता है ठंडियों में बहुत. और ठंडियों में ना स्पेशली आपके यहाँ अगर कोई ओल्ड पर्सन है तो उनका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन ठंडियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो बता नहीं सकते हैं, कहीं कहीं तो ध्यान भी नहीं दिया जाता है. बट मैं अभी जानती हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे इमोशनल अटैचमेंट ही है बाबूजी के साथ में कि मैं उनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकती हूँ. एक अटैचमेंट होना जरूरी है, कोई रिश्ता होना जरूरी हो ना हो, लेकिन हमारे ओल्ड एज पर्सन से हमारे अटैचमेंट होना जरूरी है, प्यार भरे मोमेंट्स होना बहुत जरूरी है. क्योंकि कैसा है ना, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं एक 87 इयर्स ओल्ड पेशेंट
यानी बेड रेस्ट पेशेंट को संभाल रहे हो तो मुझे पता है अगर आप अटैचमेंट के साथ उनकी केयर नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो आप उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। और अभी बाबूजी की 87 इयर्स ओल्ड के है वो, और उन्हें अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जैसे ठंडी बढ़ जाती है, ऐसा हमेशा उनको नहीं होता है लेकिन जब ठंडी वगैरह होती है, बारिश होती है, जैसे यानी इफेक्ट जैसे कि सीजन चेंज होता है तब इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी एक वीक से ज्यादा भी 8 से 10 दिन हो चुके हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे पता है कि उन्हें किस तरीके से, जो भी डॉक्टर मुझे एडवाइस करते हैं मैं उनके तरह से उनको पैम्पर करती हूँ और उनको उनका ध्यान रखती हूँ। बस मुझसे जितनी कोशिश होती है मैं करती हूँ, बट मुझे इतना पता है मैं अगर बाहर किसी के ऊपर सौंप दूँ तो वो ये नहीं कर सकते। आप ही होते हो, आपको ही पता होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, हर चीजों में चेंजेस होता है तो पता चलता है कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ तो भी हो रहा है, कुछ हमेशा के रूटीन से कुछ अच्छा कुछ भी हो रहा है तो वो आपको पता ही चल जाता है। तो वैसे ही मैं बाबूजी का ध्यान रखती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है और उनका फटाक से ध्यान रख लेती हूँ। अभी वो पंप नहीं, इनहेलर नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी उतनी यही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो इनहेलर ले, और वो अगर लेते भी है तो वो बाहर ही वेस्ट हो जाता है। तो ये जो इनहेलर है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही है जो मैंने दिया है, ऐसा कुछ भी आप अपने मर्जी से मत दीजिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब। ये अगर मैं बाहर देने जाती हूँ और मैं उन्हें इस सिचुएशन में बाहर नहीं ले जा सकती हूँ तो डॉक्टर से मैंने कहा था कि मैं घर पे उनका ध्यान रखूंगी, आप मुझे प्रिस्क्राइब दे दो टाइम टू टाइम 12 हर्स में, 12 घंटे में, 8 घंटे में, 4 घंटे में, ऐसे इसकी प्रोसीजर है। उन्हें देना पड़ता है कफ को सोखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, चोक हो जाता है, अस्थमा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं देख रही हूँ ना, मुझे कुछ मैं सोचती हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाती है तो हम इतने प्रॉब्लम में होते हम बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाते हैं, तो उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो सब चीजें अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, तो अभी उनको इनहेलर लगा दिया। आज हम सभी लेट उठे हैं क्योंकि कल रात को भी बाबूजी बार बार मुझे भी उठना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, पानी की जरूरत होती है, कुछ होता है तो वो हमें ही होता है, जैसा एक छोटा बच्चा संभालना पड़ता है ना वैसे ही ओल्ड एज को भी संभालना होता है। बाबूजी का इनहेलर हो जाएगा तो मैं उन्हें खिचड़ी बनाई है उनके लिए, तो खिचड़ी दे दूंगी उनको पहले, पतली पतली एकदम से, क्योंकि अभी उनको हार्ट कुछ भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो पतली पतली खिचड़ी मैं उन्हें दे दूंगी। यही वजह है कि लास्ट वीक में कोई भी वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई, बहुत कम वीडियोज गए मेरे लास्ट वीक में, और मैं ही नहीं तो मुझे लगता है सारी तरफ ऐसी ही सिचुएशन चालू है, हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल पूरे फुल हो रहे हैं फिर से, और अभी कोविड का चौथा वेरिएंट भी आ रहा है ऐसा भी सुनने में आ रहा है, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है, बट हमें सिचुएशन को हैंडल करते रहना है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें ना बहुत इमोशनल करती है, सोच के भी डर लगता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है और फिर अचानक से ना सब कुछ शांत हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा तो मेरे साथ तो होता ही है, पर ठीक है, हर सिचुएशन को हैंडल करना हमें आना ही चाहिए। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, बाबूजी को भी कुछ खिलाना है, इनहेलर चालू है, जैसे ही इनहेलर ख़त्म हो जाएगा तो उनको भी कुछ खिलाना है, जो भी वो करना है कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे पोहा स्टीम्ड हो गए है क्या। मस्तियां कर रहे थे तो मैंने इन दोनों को छोड़ दिया ऐसे ही, और दोनों को करने दी जो करना है, ऊपर गए दोनों, ये दीवार पे चढ़ गया प्लेट, यानी वो कौन सी पैराफिट वॉल है ना, ये उसके ऊपर बैठ गया, और ये ना वहां से मस्त वो जो विंडोज बनी है ना छोटी छोटी वहां से देख रहा आई ना कितने देर तक, मैंने जान दी इनको अच्छे से खेलने दे करके, मैंने उनको दोनों को अच्छे से खेलने दी। देखिए इनकी गुड मॉर्निंग और इनका
इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों भी। तो मैं दिव्या को बता रही, जब मैं उठी थी तो इन दोनों को आज अकेले, और ये दोनों इतना एक दूसरे को, ये कोने में छिप जाता है और फिर चेयर के नीचे काई में ऐसे फंस जाता है और वहां से इसको मार दे रहे, यानी वो जा भी नहीं सकता अंदर ऐसे करके। बाबा जी को लंच करा दिया है, उनको मेडिसिन भी दे दी है, उनका सारा काम हो चुका है, तो मैं भी अभी टेंशन फ्री हो गई हूँ। और अब मैं हमारा लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, और आज लंच प्रिपेयर करने में काफी टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है, तो ऐसा होता है कभी कभी। तो अभी मैं दोनों टाइम का ही लंच प्रिपेयर करूंगी, लंच में पूरा लंच नहीं, सब्जी ज्यादा बना के रखूंगी, और शाम के समय में मैं थोड़ा बहुत, यानी जैसे चपाती और चावल जो है वो गरम गरम बना लूंगी, तो ऐसे ही करूंगी। आज संडे है और आज मैं बना रही हूँ एक करी। तो एक करी के लिए मसाला भून रहा है, 1 बॉइल हो गए हैं और रोटियों का आटा गूंदा हुआ है। एग्स को इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं और इन्हें थोड़ा सा भी गोल्डन ब्राउन करना है मुझे। मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब तक मसाले पक जाएंगे तब तक बाबूजी की खिचड़ी भी रेडी कर लूंगी मैं। अभी ये थोड़ी सी इस तरीके से ड्राई है, तो ऐसी नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ पतली सी चाहिए होती है, तो इसके लिए मैं 2 बार प्रेशर कुकर में अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। और बॉइल्ड एग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर से आज मैंने कोई भी, फिर हमने लंच प्रिपेयर करने के बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद ना मैं थोड़ा आराम कर रही थी, और उसके बाद फिर आराम मीन्स बैठे थे हम लोग, गेम वेम खेल रहे थे, तो बस संडे इसी तरह से इंजॉय किया। तो अभी हो गई है शाम, और थोड़ा सा अभी हमने सोचा कि बाहर, क्योंकि सबकी फरमाइश पूरी करना पड़ता है, सबके ध्यान रखना है, सबकी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो दिव्या का अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो दिव्या को भी नहीं लेकर गए थे, तो उसका कुछ मन था बाहर जाने का। तो आज मैं आपको एक जगह लेके चल रही हूँ, तो
तो बहुत अच्छी सी जगह है वो हमारे यहाँ नागपुर में, ताजबाग की दरगाह है। और वहाँ पे बहुत अच्छा सा अभी ना वर्क हुआ है, काम हुआ है, और बहुत प्यारी सी दरगाह है वो। तो हम लोग वहाँ जाने का सोचा, और फिर फाइनली काफ़ी यानी लोगों ने वीडियोस वगैरह डाले हैं उसके ऊपर में, और काफ़ी यूट्यूब, आप एक न्यू यूट्यूबर है, न्यू नहीं है, ओल्ड, सायरा सतानी करके, वो हमारे नागपुर में आई थी, तो उनके भी इस पे देखा मैंने। तो मैंने सोचा कि हमें भी चलना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत अच्छा सा काम हुआ है वहाँ पे, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो दिव्या भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस अब हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे ताजबाग दरगाह के लिए। और आप मानो या ना मानो, पर दिल से अगर आप किसी को मानते हो, दिल से ऐसी जगह जाते हो तो सुकून ही मिलता है। तो मैं बस अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और अभी थोड़ा सा रेडी वगैरह, चाय वगैरह होके शाम की हमारी बाबूजी को ब्रेकफास्ट, बाबूजी को भी जो स्नैक्स जो भी करना था बाबूजी का, सब मैं कर चुकी हूँ।
ताजबाग दरगाह के बाद अभी मैं यहाँ पर एक स्पॉट है जो जब ऐसा थोड़ा सा टेंशन होते हो या कुछ ऐसा लगता है ना एक सुकून सी जगह हो तो ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ मैं आती हूँ अक्सर और मुझे यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना फैमिली वगैरह अच्छे आती है तो मैं यहाँ पर आती हूँ तो सुकून लगता है, यहाँ पे अच्छा सा लगता है। और यहाँ से हमारे यहाँ का मेट्रो का मेन स्टेशन है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टाइम एक्सपेंड करेंगे। और कैसे लगा आपको हमारा ताजबाग का दरगाह ज़रूर बताइएगा। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी जो रिनोवेशन के बाद वहाँ पे जो चीज़ें हुई है ना इतनी अच्छी ना इतना अच्छा। और अभी ना 26 जनवरी को ताजुद्दीन बाबा का बर्थडे होता है तो बर्थडे होता है तो वो बर्थडे की वजह से इतना वहाँ पे अभी सजाया वगैरह भी था। और पिछले 6 सालों से वहाँ पे वो काम शुरू था जो अब जाके पूरा हो गया है तो बहुत ही एक अच्छा सा लग रहा था। और अभी हम आए यहाँ तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा डेकोर किया गया है। यहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज आती है वॉक करने के लिए वगैरह।